वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर Vivo V23 Pro का गिव अवे लाइव है। अगर आप नए हैं और आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है, पार्टिसिपेट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमने आज तक न जाने कितने स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू किए हैं। इंडिया में 8 Gen 1 इसके स्मार्टफोन आना चालू हो गए हैं और सेकंड स्मार्टफोन मोटोरोला का एज 30 प्रो ये बहुत ही तगड़ी स्पेक्स और एक अग्रेसिव प्राइस सेगमेंट के साथ में आया है, क्योंकि पहला स्मार्टफोन आईक्यू 9 प्रो ये आपको मिलता है 65,000 रुपए का, लेकिन मोटोरोला आपको देता है 50,000 रुपए का विद सेम 8 Gen 1। और दोनों के अंदर दोस्तों बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा, यहां पे फर्क तो है, लेकिन इतना फर्क नहीं है कि हमें 15,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। यहां पर हम बहुत अच्छे से पैसा बचा सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोनों स्मार्टफोन के अंदर बिल्ड क्वालिटी से लेकर बैटरी तक, डिस्प्ले से लेकर कैमरा तक क्या क्या फर्क है और कौन सा स्मार्टफोन हमारे लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है एंड्रॉइड गुरुजी में। अगर आप चैनल पर नए हैं, अनबॉक्सिंग, रिव्यू, कंपैरिजन, गिव अवे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का ऑल पर सेट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। एंड्रॉइड गुरुजी फैमिली में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल, दोनों की बिल्ड क्वालिटी में क्या है? जी हाँ दोस्तों, यहां पर बिल्ड क्वालिटी के अंदर एक तकड़ा प्राइस डिफरेंस आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि यहां पे अगर हम बात करते हैं मोटो की 196 ग्राम का है, ब्लू ग्रीन एक अजीब सी ना मैट फिनिशिंग मिलती है जो कि हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन काफी एक रिच प्रीमियम लगती है। पीछे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है, आईपी रेटिंग 52 मिलती है, स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, लेकिन फ्रेम मेटल का नहीं है। यह है दोस्तों कंप्लीट मोटो एज 30 प्रो विद एक रिच प्रीमियम सेगमेंट। अगर हम बात करते हैं आईक्यू की 9 प्रो, एक सॉलिड बिल्ड क्वालिटी आपको मी 11 अल्ट्रा के जैसी फील देने वाला है, लेकिन थोड़ा भारी है, 212 ग्राम का है, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है दोस्तों, इट्स अ वेरी फास्ट सेंसर, एक काफी बड़ा एरिया भी मिलता है। इसके अलावा आपको ग्लास और मेटल की एक सैंडविच डिजाइन मिलती है, आयरा ब्लास्टर मिलता है, सेकेंडरी माइक मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन आईपी रेटिंग नहीं मिलती है। और बिल्ड क्वालिटी के अंदर दो मेन फर्क आ गए, आईपी रेटिंग का और फिंगरप्रिंट सेंसर का, लेकिन ये दोनों चीजें इतनी भी बेहतर नहीं होती है कि हम इसके लिए 15,000 रुपए दें, लेकिन मेरा काम था आपको अंतर बताना, अंतर हमारे सामने है। इसके अलावा सवाल आता है दोस्तों डिस्प्ले का, मोटो की बात करते हैं 6.7 इंच की FHD प्लस OLED मिलती है दोस्तों, 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में, 756 के आपको टच सैम्पलिंग रेट मिलती है, 1 बिलियन कलर यहां पर प्रोड्यूस होते हैं, 700 निट्स के आपको ब्राइटनेस मिलती है, HDR10 प्लस और 91% से ऊपर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है, बेजल्स, चिन, ये सब कुछ दोस्तों काफी कम है। डिस्प्ले देखने के अंदर 144 हर्ज और 766 हर्ज की टच सैम्पलिंग रेट, ये आपको एक गेमिंग क्वालिटी के अंदर, डे टू डे लाइफ यूजेस के अंदर है ना, एक्सट्रीम करते वक्त आपको फील होती है। डिस्प्ले के अंदर मोटोरोला ने फ्लैगशिप काम किया है। लेकिन आईक्यू 9 प्रो की बात की जाए, 6.78 इंच की FHD प्लस सुपर एमोलेड 2K डिस्प्ले विद LTPO 120 हर्ज, 300 हर्ज के आपको टच सैम्पलिंग रेट मिलती है, 1000 निट्स की ब्राइटनेस पीक, 10 बिट कलर ऑप्शन मिलता है, HDR 10 प्लस है, सब कुछ ठीक है, 92% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, लेकिन दोस्तों फर्क क्या आ गया? एक तो आ गया 2K डिस्प्ले का, OLED का, ये अपन हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें हाथ में कैरी करते हैं उस केस में मोटो आपको एकदम फ्लैट डिस्प्ले देता है और IQ आपको एकदम 3D कर्व डिस्प्ले देता है, आपको जो बेहतर लगे आप देख सकते हैं। और डिस्प्ले के अंदर पैसा सबसे ज्यादा लगता है दोस्तों, और जो 3D कर्व डिस्प्ले होती है ना वो बहुत ज्यादा महंगी आती है। बाकी दोनों में आपको वगैरह 2K वगैरह मिल गया, 140 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, टच सैंपलिंग रेट, ये सब कुछ आपको मोटोरोला बेहतर देता है। तो मेरे हिसाब से 15,000 रुपए एक्स्ट्रा लगाना, आईक्यू की तरफ जाना डिस्प्ले के अंदर भी कोई खास फायदे वाली बात मुझे नहीं लगती है। ब्राइटनेस पीक का थोड़ा सा फर्क है, मोटो के अंदर थोड़ी सी कम है 700 निट्स की, तो इसे आप देख सकते हैं कि आपका जो है ना फील्ड जॉब, धूप के अंदर ज्यादा जाना, फोन को ज्यादा यूज करना धूप के अंदर, ये आपका कितना काम करता है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, दोनों की एक साथ बात करूंगा दोस्तों, दोनों में आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1, 4nm फैब्रिकेशन पे आधारित है, अब तक का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है, काफी हद तक पावर इफिशियंट है, एनर्जी इफिशियंट है, लेकिन हीटअप को कंट्रोल नहीं करता है। किसी भी यूट्यूबर ने
आपको ये नहीं बताया कि ये फोन बहुत ज्यादा हीट करते हैं जो कि स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 के साथ में आते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ पेड रिव्यू। लेकिन दोस्तों मैंने सलीम बाबा टेक्निकल की वीडियो को यहां पे मेंशन कर रहा हूं, आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा फोन हीटअप होता है, एंटीटू बेंचमार्क निकालने पर काफी ज्यादा हीटअप के एरर देता है, तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि दोनों में ही आपको कोई तरह का कूलिंग सिस्टम नहीं मिलता है। वेरिएंट्स की बात करते हैं, 8128 का मिलता है आपको मोटो के अंदर, एक ही वेरिएंट है। आईक्यू की बात करते हैं, 8256 12256 जीबी के LPDDR5 फ्रेम UFS 3.1 के साथ में, दोनों ही स्मार्टफोन 5G रेडी है। मोटो में आपको 13 5G बैंड मिलते हैं, आईक्यू में आपको 14 5G बैंड मिलते हैं। That's it, दोनों में आप वेरी 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 हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कीजिए दोस्तों, एकदम हाईएस्ट सेटिंग पर आप गेमिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन हाँ, जो दिक्कत है वो है हीटअप इश्यू की, और इसे हमें कंट्रोल करना ही चाहिए था, ब्रांड वालों को नहीं किया, दिक्कत आएगी। लेकिन जितना आप खेलोगे ना स्मूथ चलेगा, हीटअप आ गया उसके बाद में फ्रेम ड्रॉप होना चालू हो जाएंगे। मोटो आपको देता है 950,000 के आसपास एंटीटू बेंचमार्क, लेकिन आईक्यू आपको देता है 1 मिलियन। ये है दोस्तों दोनों की परफॉर्मेंस, दोनों के स्पेक्स। मोटो है ना वो मुझे थोड़ा सा बेहतर क्यों लगता है उसकी हम बात कर लेते हैं। हालांकि आईक्यू काफी बेहतर है, आईक्यू को आप अगर आप सर्विस कराने जाते हैं आप वीवो के सर्विस सेंटर पे इसे करवा पाएंगे क्योंकि वीवो का एक सब ब्रांड है। लेकिन मोटो दोस्तों आपको नीट एंड क्लीन यूजर इंटरफेस देता है दोस्तों, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, कोई भी तरह का प्री इंस्टॉल्ड ऐप नहीं है, कोई तरह का ब्लॉटवेयर नहीं है। दोनों ही स्मार्टफोन आपको एंड्रॉइड 12 पर मिलते हैं। मोटोरोला के अंदर आप कस्टमाइजेशन बहुत अच्छा कर पाते हैं, गेमिंग मोड मिलता है, इसके चलते मुझे ये थोड़ा सा बेहतर लगता है। लेकिन हीटिंग इश्यू वो आपको दोनों में मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों कैमरा की बात करते हैं, और कैमरा के अंदर है ना जेड बना दिया दोस्तों, वाइस वर्सा, इसमें कुछ अच्छा इसमें कुछ अच्छा, तो आपका मन थोड़ा सा विचलित हो सकता है कि हमें कौन सा लेना है। अगर हम बात करते हैं कैमरा की, मोटो के अंदर 50+50 का अल्ट्रा वाइड प्लस 2 का डेप्थ सेल्फी कैमरा, 60 मेगापिक्सल का, 8K 30 फ्रेम पर सेकंड, 4K 30 फ्रेम पर सेकंड, और सेल्फी के अंदर भी आपको 4K 30 फ्रेम पर सेकंड मिलता है। लेकिन दोस्तों जो सेल्फी कैमरा है ना दैट्स नॉट गुड, यहां पर फोटोग्राफी इतनी अच्छी नहीं आती है। रियर कैमरा फोटोग्राफी के अंदर वीडियोग्राफी के अंदर काफी बेहतर है, सेल्फी कैमरे के हिसाब से ये थोड़ा सा मुझे कम लगता है फोटोग्राफी के अंदर, वीडियोग्राफी के अंदर ये बेहतर है, पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि ये एक मुद्दा यहाँ पे आने वाला है ना कैमरा के अंदर, वाइस वर्सा। अगर हम बात करते हैं आईक्यू की, 50 मेगापिक्सल का GM5, इसके अलावा गिम्बल OIS मिलता है दोस्तों, 50 का अल्ट्रा वाइड है, 16 का टेलीफोटो सेंसर है, और 16 का ही आपको सेल्फी कैमरा मिलता है। यानी कि रियर कैमरा दोनों के ही एकदम अपनी जगह पर बेस्ट हैं। रियर के अंदर आप 8K 30 फ्रेम पर सेकंड, 4K 60 फ्रेम पर सेकंड, आईक्यू में आपको 60 फ्रेम पर सेकंड मिल रहा है। इसके अलावा सेल्फी के अंदर आपको 4K का सपोर्ट नहीं मिलता है, पॉइंट टू बी नोटेड। अब यहां पे क्या हुआ कि जो मोटो है ना वहां पर आपको रियर के अंदर 4K 30 फ्रेम पर सेकंड और सेल्फी के अंदर भी 4K 30 फ्रेम पर सेकंड, लेकिन आईक्यू आपको रियर के अंदर देता है 4K 60 फ्रेम पर सेकंड, लेकिन फ्रंट कैमरे में सेल्फी कैमरे में आपको 4K का सपोर्ट नहीं देता है। ये है दोनों स्मार्टफोन के कैमरा, जहां पर हमने ऑन पेपर बात की है। मेरे पास में स्मार्टफोन आने के बाद में हम इनका एक कंप्लीट कैमरा टेस्ट करेंगे हमेशा की तरह, उसके बाद में मैं आपको इसके कंप्लीट वीडियो दे पाऊंगा। लेकिन स्पेक्स वाइज दोनों दोस्तों वाइस वर्सा है, आप अपने स्मार्टफोन के यूज के हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कह दूं दोस्तों कि सिर्फ 4K के लिए 15,000 रुपए देना मायने नहीं रखता है ना, इतना ज्यादा आपके काम नहीं आ पाएगा। बात करते हैं बैटरी की, मोटो में आपको मिलती है 4800mAh की बैटरी, 68W की चार्जिंग 50,000 रुपए के अंदर, एक साथ बात कर दी मैंने। आईक्यू की बात करते हैं, 4700mAh की बैटरी, 120W की चार्जिंग और 8256GB का, यहां पर था 8128, यहां पे 8256GB का 65,000 रुपए के अंदर, यानी कि लगभग सेम वेरिएंट में 8128 8256GB 15,000 रुपए का फर्क पड़ता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, दोनों स्मार्टफोन के फीचर्स और प्राइस सेगमेंट को देखते हुए। हम जानते हैं कि दोनों स्मार्टफोन मेनली टारगेट किए गए हैं स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 के लिए, एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन के लिए। तो अगर हम बात करते हैं ना कि मोटोरोला के अंदर कुछ कमियां हैं, जैसे कि बिल्ड क्वालिटी है वो प्लास्टिक फ्रेम आता है, लेकिन अच्छी बात क्या है, आईपी रेटिंग मिलती है। डिस्प्ले दोनों की मैं कहूंगा कि एकदम सेम है, कोई खास फर्क नहीं है, 3D कर्व और फ्लैट का यहां पे फर्क पड़ता है। स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 एग्जैक्ट सेम आ गया। कैमरा के अंदर मैंने बताया कि आपको थोड़ा सा वाइस वर्सा मिलता है, लेकिन किसी भी फीचर के अंदर किसी भी स्पेक्स के अंदर दिन और रात के जितना फर्क आपको नहीं मिलता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों यहां पर ना 15,000 रुपए लगाने की बजाय 15,000 रुपए बचा के
₹50,000 के अंदर आपको मोटरोला का H30 Pro लेना चाहिए। ये है मेरी एक पर्सनल चॉइस। ऑलराइट, ये दोस्तों वीडियो जहां मैंने बात की दोनों स्मार्टफोन के बारे में। अगर आपका अभी भी कोई सवाल, सुझाव, फीडबैक रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली DM कीजिए, वहां पर हम इसके बारे में एकदम क्लियरली बात कर सकते हैं। वीडियो दोस्तों आपने यहां तक देखी है, वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद। अगर आपका अभी भी कोई सवाल रह जाता है ना दोस्तों, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर दीजिए, यहां पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, वरना इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्ट DM करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई डेफिनेटली मिल जाएगा। मेरा सजेशन क्या है, डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। जय हिंद।